हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग फ्रेंड्स? दिस इज अपर्णा हियर वंस अगेन। सो आज एक स्पेशल सा रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये कॉलीफ्लावर का रेसिपी है, जैसे मेरा अभी कॉलीफ्लावर हमने काट के रखा हुआ है। इसको ग्रीन पीस के साथ एक अलग सा मैं ट्विस्ट के साथ एक रेसिपी बनाने वाली हूँ। और ये जो थोड़ा रहेगा साउथ इंडियन टच का रहेगा। जैसे नॉर्मल आप गोभी की सब्जी तो खाते, गोभी की फ्राई तो आप खाते ही है, पर कई बार वही टेस्ट वही खाते खाते अब कई बार बोर हो जाते होंगे, राइट? सो एक अलग से एक नया सा रेसिपी बताऊंगी इसमें। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस करनी नोटिफिकेशन के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी मैंने तेल डाला हुआ है। तेल आप जो यूज करते हैं, जैसे किसकिस के घर में जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, जैसे कोई कोई कोकोनट ऑयल यूज करता है, अपने इच्छानुसार जो तेल यूज करते हैं वो आप इसमें डालिएगा। काफी गर्म है, इसको हल्की आंच में इसको रखना है, क्योंकि सेफ्टी हमेशा जरूरी है। कोई भी काम करे सेफ्टी को कभी ना भूले। और इसमें थोड़ा सा मैं राई डालूंगी इसमें। और इसपे जो है मैं जो दो सूखी मिर्च डालूंगी और इसपे प्याज डालूंगी। फ्रेंड्स, अभी देखिए जैसे जैसे थोड़ा कड़ी पत्ता मैंने डाला हुआ है, इसको आप जो अच्छे साथ इसको पकने दें। अभी गोभी को इसमें हमें डाल देना है और इसको धीमी आंच में बनने दीजिए, ताकि अच्छे जब अच्छी तरह से होता है कुक नहीं होता है, इसको आपको पकाना है। जब तक ये पूरी तरह से पकते नहीं है, मैं इसको जो है ढक्कन से बंद कर दूंगी। अब इस तरह से हमें ढक देना और इसको जो है जब तक ये पक नहीं जाता है एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप इसको बनने दीजिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए जैसे अभी गोभी हमने थोड़ा इसको 5-10 मिनट थोड़ा नरम बन होने के लिए दिया हुआ है। अभी इसमें थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए इसको हमें नमक डाल देना है। और इसके ऊपर जो है हम इस पे जो डालेंगे टोमेटो का पेस्ट डाल देंगे इसमें। टोमेटो के अंदर जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट असर होते हैं जो पकने के बाद बढ़ता है। और हमने जो ये तरीका इसमें यूज किया इस तरह से बनाने के लिए, ताकि इसका जो विटामिन है वो भी बकाया रहे, गुण ना इसका जो गुण ना चले जाए, और साथ साथ में जो एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स है वो भी बढ़े इसमें। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे शरीर के अंदर काफी अच्छा रोल करता है ये। अब इसको बंद करिए और इसको पकने दीजिए इस तरह से। जैसे इसमें जिंजर गार्लिक थोड़ा पेस्ट डाला, अभी टमाटर पेस्ट डाला इसमें। इन द मेन टाइम अभी इसमें जो एक छोटा सा, फ्रेंड्स आपको एक बात बताना भूल गई थी, अभी इसमें जो डालूंगी जो कि सब्जी मसाला, इसमें थोड़ा डालूंगी इसपे, ये साउथ का जो स्पेशल सब्जी मसाला है ये। सफल का मटर जो काफी फेमस है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत ही टेंडर मटर है ये। अब ये बन रहा है, इसमें थोड़ा सा मैंने करी पाउडर यूज किया हुआ है जो टेस्ट को बढ़ाता है ये। और इसमें एडिशनली आपको मिर्ची अलग से देने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें जो मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा मसाला पानी इसमें डालूंगी।
फ्रेंड्स जैसे देखिए मसाला पानी जो है इसमें मैंने टमाटर पीसा हुआ था वो मसाला पानी इसमें मैं डाल दूंगी। इसको मैं थोड़ा ग्रेवी स्टाइल का रख रही हूं ताकि जैसे रोटी के साथ अगर आप खाते हैं तो थोड़ा मीडियम ग्रेवी रखेंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा, सूखा सूखा उतना टेस्टी आपको नहीं लगेगा। जैसे आप चाहो तो सूखा रख सकते हैं, चॉइस आपकी है, पर आप चाहें तो इसको तो मीडियम थोड़ा ग्रेवी भी आप रख सकते हैं। अभी आप इसको जो है ढक दें। अभी आपको मेन इसका जो ट्विस्ट है मैं बता दूं, अभी मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूं इसपे। सो फ्रेंड्स जैसे देखिए अभी ये बन रहा है, अभी इसमें जो कोकोनट ये वाला मैं डाल दूंगी इसपे, कोकोनट पेस्ट हमें इसे डाल देना है। इसको भी जो है हाई फ्लेम में आप इसको बनने दीजिए। देखिए हमारे कॉलीफ्लावर जो है ये प्रिपरेशन बन चुका है, ग्रेवी स्टाइल का हमने बनाया है इसको मीडियम स्टाइल में। अभी इस पे जो मैं वघार दे दूंगी, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का इसमें जो है मैंने वघार दिया हुआ है। सो फ्रेंड इसको आप आसानी से मालाबार पराठे के साथ खा सकते हो, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हो, जैसे चपाती के साथ खाना हो तो आप खा सकते हो, और ये तो ऐसा है कि आप राइस के साथ भी चाहे तो आप इसको खा सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे प्रिपरेशन जो है ये बन चुका है। प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज हमें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना है और बेल बटन प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, फील फ्री टू शेयर एंड आस्क मी। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, हैव अ प्लेजेंट डे, हैव अ प्लेजेंट वीकडे टू। थैंक यू।